अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू NPS ऑफिशियल, वेलकम बैक टू अनदर हेल्पफुल वीडियो। आई एम बैक हेयर विद अनदर यूजफुल वीडियो फॉर यू अबाउट द इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। एज यू नो डैट कि आपके पार्ट वन में भी पार्ट टू जो होगा शॉर्ट क्वेश्चंस, उसमें तो एक एक या दो दो डेफिनेशंस आएंगी, लेकिन जो पार्ट थ्री होता है उसमें तो फाइव डेफिनेशंस होती हैं। इसलिए उसमें आपने डेफिनेशंस लाजमी क्योंकि अटैम्प्ट करनी है। बाकी पहले और दूसरे पार्ट में आपके पास चॉइस होती है, लेकिन पार्ट थ्री में आपके पास कोई चॉइस नहीं होती है क्योंकि आपने डेफिनेशंस हर सूरत ही करनी होती हैं। इसलिए आपके सामने मैं साथ में स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और आपने अपने हर चैप्टर में ये डेफिनेशंस मार्क कर लेनी है। अगर आप चैप्टर वाइज नहीं कर सकते तो जो बुक के लास्ट पे रिव्यू होती है या फिर ग्लॉसरी है, उसके अंदर सारी डेफिनेशंस मौजूद हैं, आप वो डेफिनेशंस वहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेसिप्रोकल इक्वेशन, रेडिकल इक्वेशन, फ्रैक्शन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, कॉर्ड, सेक्टर, सीकेंट लाइन, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, वन टू वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, डी मॉर्गन्स लॉ, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऑब्ट्यूज एंगल, परपेंडिकुलर, ज्योमेट्री, इन सर्कल, मीडियन एंड मोड, अरिथमेटिक मीन, इंस्क्राइब्ड सर्कल की भी इंपॉर्टेंट है आपके पास, सेंट्रल एंगल की, टेंजेंट की, माइनर एंड मेजर आर्क की, कॉर्ड एंड डायमीटर। ये सब की सब डेफिनेशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आपने इनको लाजमी याद करना है। क्योंकि देखिए, आप पार्ट वन और पार्ट टू में तो आप छोड़ सकते हैं डेफिनेशंस को, लेकिन पार्ट थ्री में आप किसी भी सूरत में इनको छोड़े बगैर अपने मार्क्स कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपने लास्ट पार्ट में डेफिनेशंस अटैम्प्ट करनी होती है और वो मोस्टली आपके जो लास्ट वाले यूनिट्स हैं उन्हीं में से आते हैं। जैसे ये डायमीटर, एंगल, सेक्टर, कॉर्ड, इनकी आएंगे, ठीक है। इसलिए आपने इनको लाजमी याद करना है। विशिंग यू वेरी गुड लक स्टूडेंट्स। Don't forget to subscribe NPS Official. Allah Hafiz.